मध्य प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट। राजस्थान से लेकर गुजरात तक जल प्रलय। भारतीय मौसम विभाग ने दी चेतावनी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है और इस वजह से लोगों का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, बिहार और छत्तीसगढ़ इन दिनों आसमानी आफत झेल रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने इन सभी राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसने चिंता बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के हालात भारी बारिश से बेहद बदहाल नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 3 दिन से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने उज्जैन, इंदौर और राजगढ़ में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, यानी कि यहां बारिश का कहर अभी जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी किनारे सैलाब का तांडव सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। भोपाल से लेकर सागर तक जल प्रलय है। मध्य प्रदेश के विदिशा और गुना में भारी बारिश के चलते कई मार्गों को बंद करना पड़ गया है। मध्य प्रदेश में 5 रेडी टू मूव टीम रिजर्व रखी गई हैं और 3 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए रखे गए हैं। SDRF, NDRF की टीम सभी प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तो बारिश ने लोगों के सामने मुश्किलें पैदा कर दी हैं। इसके अलावा भारतीय मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राजस्थान के कई इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। राजस्थान में इस मॉनसून में अब तक सामान्य से 46% ज्यादा बरसात राज्य में हो चुकी है। उदयपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर के कई जिलों में 4 से लेकर 10 इंच तक बारिश हुई है। तेज बारिश से यहाँ नदियां नाले उफान मार रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात के चलते हुई ज्यादा भारी बारिश के चलते कोटा संभाग में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई गांव पानी से घिर गए हैं। चंबल, कालीसिंध, पार्वती, उजाड़, आहू समेत कई नदियां उफान पर हैं। बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तो दिल्ली में मंगलवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहे और तेज हवाएं चलती रही, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली में हवा का दौर जारी है, जिसके चलते बादलों की लुका छुपी का दौर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में 24 अगस्त, जम्मू और कश्मीर में 24 अगस्त और हिमाचल प्रदेश में 24 और 25 अगस्त को मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक ओडिशा, केरल, गुजरात में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए पूर्वोत्तर राज्यों, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश के आसार जताए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।